चाहती है कि फिर से जंगल राज की ओर पूर्णिया चले, फिर से पूर्णिया में आतंक। पांचों सीट पर जीतने जा रहे हैं और पांचों दोस्त दिखाने का काम किया, वो काफी सराहनीय है, उसके लिए हम लोग जनता के आभार व्यक्त करते हैं। देखिए, विकास सबसे बड़ा मुद्दा रहा और पूर्णिया की जनता ने, अमन पसंद जनता है, जो पूर्णिया की जनता हमेशा चाह रही है कि जो वातावरण बना है, भयमुक्त वातावरण बना है, जिस तरह का वातावरण पूर्णिया में इस 15 वर्षों में कायम किया गया है, फिर से जनता ये नहीं चाहती है कि फिर से जंगल राज की ओर पूर्णिया चले जाए, फिर से पूर्णिया में आतंक कायम हो जाए, व्यवसायी वर्ग, डॉक्टर्स वर्ग, सभी लोग चाहते हैं, जो पूर्णिया के को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो सभी चाहते हैं कि एनडीए के साथ रहे। और नरेंद्र मोदी जी ने जो काम पूरे देश में, और नीतीश कुमार जी ने बिहार में न्याय के साथ विकास, और 10 वर्षों में हम लोगों ने जो काम किया, जनता इसको सराहने का काम किया है, और जो बचे हुए काम उसको हम लोग आगे पूरा करेंगे। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की गारंटी रही, दूसरी तरफ न्याय के साथ विकास और पूर्णिया, बढ़ता पूर्णिया, इसको जनता ने स्वीकार किया, लोगों ने जो जोश दिखाने का काम किया वो काफी सराहनीय है, उसके लिए हम लोग जनता के आभार व्यक्त करते हैं कि पीड़ा सह के भी लोग लाइन में लग के तपती धूप में मतदान करने का काम किया, यह लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। देखिए, हम लोग तो पांचों सीट पर जीतने जा रहे हैं और पांचों लोकसभा का जो चुनाव हुआ, कल संपन्न हुआ, उसमें एनडीए के पक्ष में मतदाताओं ने मतदान किया, इसलिए हम लोग पांचों सीट जीते। पूर्णिया लोकसभा की जनता ने, युवाओं ने, महिलाओं ने, बुजुर्गों ने मोदी जी पर विश्वास करके, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विश्वास करके जो कल का जो मतदान हुआ है वो 100% एनडीए के पक्ष में हुआ है। एनडीए के उम्मीदवार निवर्तमान सांसद संतोष कुशवाहा भारी मतों से विजयी हो रहे हैं, इसीलिए मैं पुनः आप सब के माध्यम से पूर्णिया के तमाम जनता को धन्यवाद देता हूं कि आपने मोदी जी के गारंटी पर जो विश्वास किया है, और खास करके हमारे एनडीए के कार्यकर्ता ने जो मेहनत किया, जो कार्यकर्ता दिन रात लग कर करके मोदी जी और नीतीश कुमार जी को हाथ को मजबूत करने में जो सहयोग किया है, इतनी कड़कड़ाती धूप में भी मतदाता अपने मतदान के लिए, वोट करने के लिए डटे रहे, इसलिए सबसे पहले इस जीत का श्रेय हम जनता को देते हैं कि उन्होंने मोदी जी पर काफ़ी विश्वास किया है, और कल के मतदान से लग रहा है कि हम लोग भारी मतों से विजय होंगे। उन सारे मतदाताओं ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के गारंटी पर, और देश में और बिहार में विकास जो हुआ है उस पर उन लोगों ने मोहर लगाने का काम किया है। एनडीए के उम्मीदवार जो निवर्तमान सांसद संतोष कुशवाहा जी लोगों के बीच जाने का काम किए, और एनडीए के हमारे मंत्री और विधायक और हमारे नेता घर घर तक पहुंचने का काम किए, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की विकास की योजनाओं को घर घर तक बताने का काम किए, उसका परिणाम ये हुआ कि समस्त लोकसभा की जनता ने हमारे प्रिय सांसद संतोष कुशवाहा को जीत इनकी निश्चित करने का काम किया है। नरेंद्र मोदी को देख करके, चाह करके, और मोदी है तो मुमकिन है के आधार पर सारे लोगों ने पूर्णिया में एनडीए को मतदान करने का काम किया, और ये स्पष्ट रूपेण परिलक्षित है, कहीं किंतु परंतु कहीं नहीं है, कि एनडीए के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा पूर्णिया में भारी मतों से जीत रहे हैं। शादी की धूम में चमकेगा आपका हेयर स्टाइल दीपक शॉप के साथ आकर्षक वेडिंग कलेक्शन,
ब्राइडल लहंगा, शेरवानी, साड़ी, सूट, कंप्लीट लेडीज वेयर, मेंस वेयर और किड्स वेयर। कालीबाड़ी रोड, हट्टा बाजार, पूर्णिया।